अस्सलाम वालेकुम। सुबह का आगाज़ करते हैं जी, 8:30 हो रहे हैं सुबह के और आज मंगल का दिन है। कल हम शॉपिंग करने गए थे, ये सारी शॉपिंग की है और इन्हीं में मेरे शूज़ पड़े हैं। ये जो है, ये दो शूज़ जो हैं सुफियान अरमान के हैं, तो एक कमांडो स्टाइल में और एक थ्री पीस के नीचे पहनने के लिए है। वो ड्रैगन शूज़ लिए हैं, मैं दिखाता हूँ अभी आपको। ये तो लिए इंग्लिश बूट वालों से और दूसरे जो कमांडो स्टाइल के लिए हैं वो लिए इंडोर से। ये वाले जो लिए इंडोर से लिए हैं। मैं आपको अपनी चप्पल और अपने शूज़ दिखाता हूँ कि मैं कौन से लेके आया हूँ। ये हैं जी मेरे शूज़, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर पे मंगवाए थे बाटा से। नॉर्थ स्टार के शूज़ हैं ये मैंने मंगवाए थे वैसे शॉप के ऊपर 2800 रुपए के, और ऑनलाइन इनकी सेल लगी हुई थी वो वहाँ से मेरे को मिले 1680 रुपए के। और ये विंडरोज़ की चप्पल है, ये भी बाटा से ली है, ये मैंने शॉप पे जाके ली थी सेल में 1600 रुपए की, और ऑनलाइन भी ये 1600 की थी। तो लाइट वेट है बिल्कुल ही, बिल्कुल वैसे हाथ में पता ही नहीं चल रहा कि चप्पल पकड़ी भी है कि नहीं। और ये शूज़ भी थोड़े से हाथ में उठाएं तो वज़नी लगते हैं, लेकिन पैर में पहने में बिल्कुल पता नहीं चलता कि वज़नी है कि नहीं। कमेंट में बताइएगा कि शूज़ अच्छे लगे आपको। उसके अलावा ये जो बच्चों की शॉपिंग है ये मैं नहीं दिखा सकता आपको, अगर ये दिखाने पे आया तो शाम हो जाएगी, क्योंकि अभी 8:30 बजे हैं, तैयारी भी करनी है, शोरूम पे भी जाना है। आपको फटाफट लेके चलता हूँ जी बाहर, बाहर का मौसम दिखाते हैं कि कैसा हो रहा है। बारिश के बाद 2 दिन लगातार बारिश हुई है, तो चलते हैं देखते हैं। ताला लगाया हुआ पता नहीं क्यों। एक तो अच्छा जी, अब मैं ये कह सकता हूँ कि फाइनली हैदराबाद में ठंड आ चुकी है। हाय हाय मज़ा आ गया जी। और धुंध धुंध हो रही है, पूरे एरिया में धुंध हो रही है। लोग सुबह सुबह भी जा रहे हैं काम पे, सुबह सुबह टाइम है, और हर जगह से जो है नाश्ते की खुशबू ज़ाहरी तौर पे महसूस हो रही है और आ भी रही है, और ऐसे पराठे तल रहे हैं लोग उसकी खुशबूएं आती हैं। और सुबह सुबह का मौसम हो और एक कप चाय नहीं ठंड है, तो एक कप कॉफ़ी हो और ये मौसम हो, क्या ही बात है। ये मैंने तकरीबन ये पीछे वकास जो है लकड़ियां तोड़ के आग लगाने की तैयारी कर रहा है। सुबह सुबह टाइम है, आग लगा के फिर हाथ सेकेगा। दोस्त यार अब नहीं है मेरे पास सारे, कोई कराची गया हुआ है, कोई किधर गया हुआ है, नहीं तो इस मौसम में जो है आग लगा के बैठने का ज़्यादा मज़ा आता था, लेकिन अब सबकी शादियां हो गई हैं, अब कोई किधर तो कोई किधर, समझ ही नहीं आती। बाहर भी निकलना कम होता है जी दोस्तों में, शादी के बाद बंदा अलग हो जाता है सारों से। यहां से अभी पता नहीं कैमरे में आएगा कि नहीं, सिग्नल जो है ग्रीन हो चुका है बिल्कुल, यानी कि ट्रैक बिल्कुल खाली है। जो अभी यहां से ट्रेन आएगी उसके लिए सिग्नल दिया गया है कि ग्रीन है सिग्नल, आप अपनी स्पीड पर जा सकते हैं। हम तो इधर ही रहते हैं, हमें सारा ही पता है ट्रेन्स के बारे में, सिग्नल्स के बारे में, ट्रैक के हवाले से। तो काफ़ी लोग ये समझते हैं कि ग्रीन हो रही है लाइट तो जल्दी चलो गाड़ी आने वाली है, और लाल हो रही है तो इसका मतलब नहीं आ रही, आराम से बैठे रहो, और ऑरेंज हो रही है तो पता नहीं लोग क्या समझते हैं कि पता नहीं अब गाड़ी चली गई है या नहीं। लेकिन हम तो इधर के रहते हैं, हमें पता है ग्रीन का मतलब ये होता है कि ट्रैक खाली है,
ट्रेन को बताया जाता है कि आप जा सकते हैं अपनी स्पीड पे, आगे कोई ट्रेन नहीं है, आपके आगे कोई जो है दिक्कत नहीं है, आप आराम से जा सकते हैं। ऑरेंज का मतलब ये होता है कि आगे ट्रैक पे कोई काम हो रहा है या तो आगे कुछ मोड़ है या कुछ उतरने वाली जगह है, तो आप जो है गाड़ी की स्पीड स्लो कर लें, लिहाजा वो जो ड्राइवर होता है वो स्लो करता है गाड़ी। और रेड का मतलब ये होता है कि आगे ख़तरा है, आगे पटरी टूटी हुई है, जो भी मसला होता है वो रेड के हवाले से होता है। ट्रेन जो है आपने सिग्नल पे रोकनी है, किसी भी तरह आपने सिग्नल पे ट्रेन रोकनी है, रेड का ये सीन होता है। हमारे पाकिस्तानी भाइयों ने अलग ही रूल निकाले हुए हैं, रेड हो रही है तो भाई ट्रेन नहीं आएगी, आराम से बैठे रहो पटरी पर, ग्रीन हो रही है तो फ़ौरन भागो, ट्रेन आ रही है, ऐसे होता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। धुंध बहुत हो रही है और शबनम पड़ रही है, जो उससे पटरियां गीली हो गई। वैसे रात को बारिश हुई थी, अभी जो है ज़मीन गीली है, शबनम की वजह से और ज़्यादा गीली हो गई। मेरे पीछे आप देख सकते हैं धुंध है, थोड़ी सी दूर जाके नज़र ही नहीं आ रहा कुछ कि बंदा आ रहा है कि नहीं, करीब वाले नज़र आ रहे हैं। पंजाब में होते हैं तो पंजाब में तो बिल्कुल भी 4-5 फुट के दायरे में कुछ नज़र नहीं आता, इतनी ज़्यादा धुंध हो रही होती है। और अभी एक्सीडेंट भी बहुत ज़्यादा सुनने में आ रहे हैं और न्यूज़ की हेडलाइंस बनी हुई है एक्सीडेंट ये जो मोटर वेज पे हो रहे हैं, तो लिहाजा अल्लाह खैर करे जी, सब पे अपना करम बना के रखे। Thank you.